Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna... की एक और जबरदस्त गरमागरम वीडियो में आज दोस्तों हम अनबॉक्सिंग तो हमने कर दिया, खैर आज हम बात करेंगे Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G की। देखिए दोस्तों, इसका जो पहले वाला था वो 4G था, Exynos 990 के साथ में उन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया और लेके आया है Snapdragon 865 और 5G का सपोर्ट। ये इंडिया में 56,000 पे लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च प्राइस है, लेकिन स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर दे रहे, आपको ये 47,000 रुपीस में मिलेगा। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर गिव अवे भी कर रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के लिए दिया हो, आप वहां पर जाके पार्टिसिपेट करिए, आप में से लकी विनर को S20 फैन एडिशन 5G में यहाँ पर देने वाला हूँ। अब बॉक्स में दोस्तों आपको सब कुछ सेम कंटेंट मिलते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। 15W चार्जर बॉक्स में है, 25W चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, 15W वायरलेस चार्जिंग का भी आपको इसमें सपोर्ट है और वायरलेस पावर शेयर भी, यानी कि दूसरे को छोटे मोटे एक्सेसरी से वो आप इससे इस पर लगा के चार्ज कर सकते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके मेजर डिफरेंस यानी कि चिपसेट से। स्नैपड्रैगन 865 5G ये स्मार्टफोन अभी फ्यूचर रेडी है, फ्यूचर में अगर 5G आता है इंडिया में तो आप इसमें अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी चीज जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, अब वो पहले से और भी ज्यादा बेटर है, 4G वाले से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये और भी एडवांस और ज्यादा पावरफुल है। स्नैपड्रैगन 865 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लैगशिप चिपसेट है, गेमिंग वगैरह सब कुछ आपका एकदम स्मूथ होगा और कोई भी हाई एंड गेम्स खेलो बिल्कुल भी लैग स्टटर नहीं करता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों ये चिपसेट आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो परफॉर्मेंस दोस्तों अब आपकी इस वाले फोन में ना पहले से बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। दूसरी सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस फोन में लगी है वो इसका डिस्प्ले है, 6.5 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और ये एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले सेंटर पंचोले और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोस्तों वो कमाल का है। इनफैक्ट अगर चिन्ह देखते हैं वो भी आपको बहुत कम मिलते हैं, काफी ज्यादा ब्राइट है, वीडियो एक्सपीरियंस गेमिंग एक्सपीरियंस सब कुछ आपको इसमें बहुत बढ़िया मिलेगा। वैसे आपको इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जी हाँ, और 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, तो काफी फीचर पैक डिस्प्ले, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, उसमें आपका एक्सपीरियंस कमाल का होने वाला है। बैटरी की बात करें दोस्तों, 4500 mAh की बैटरी है, सेम है 4G वाले जैसा ही है और चार्जिंग सपोर्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बैटरी दोस्तों इसमें मुझे लगता है पहले से थोड़ी और बेटर चलेगी, ये स्नैपड्रैगन चिपसेट है तो मुझे ऐसा लगता है। अब मैंने इसको डिटेल में टेस्ट नहीं किया लेकिन अगर रहेगा तो फ्यूचर में मैं टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी बैटरी कितनी अच्छी चलती है। साथ में सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलता है, One UI 3 पर ये बेस्ड है, तो अच्छी बात है कि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन मिलता है, नॉक्स सिक्योरिटी है, सैमसंग पे है और बहुत सारे सैमसंग के इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका इसमें काफी स्मूथ होने वाला है। और इसमें दोस्तों आपको LPDDR5 रैम सपोर्ट है और UFS 3 आपको स्टोरेज का सपोर्ट है, तो वहां पर भी स्पीड आपको बहुत फास्ट मिलेगी। वैसे नॉर्मली दोस्तों मैं अगर कहूं ये फोन बहुत फास्ट है, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग वो सब कुछ आपको एकदम इसमें स्मूथ मिलेगा। साथ में कैमरा दोस्तों फ्लैगशिप कैमरा है, आपको 12 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, प्राइमरी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, वैसे आपको OIS भी मिलता है, जी हाँ, उसके साथ साथ आपको उसमें सुपर स्लो मोशन है, नाइट मोड है और बहुत सारे AI वाले फीचर्स है, सिंगल टेक वगैरह। साथ में 12 मेगापिक्सल का एक और आपको अल्ट्रावाइट सेंसर मिलता है, फिर 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो मिलता है, यानी कि तीनों के तीनों सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टेलीफोटो है इसमें आपको 30x स्पेस जूम भी मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। सेल्फी 32 मेगापिक्सल की, 4K वीडियो यहां पर भी है, सिंगल टेक, नाइट मोड, स्लो मोशन, जो मेजोरिटी ऑफ द फीचर्स जो रियर में है वो आपको सेल्फी में भी मिलते हैं। थोड़े बहुत सैंपल्स मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, अगर आपको और भी ज्यादा सैंपल्स देखने कैमरे के तो हमने इसका जब अनबॉक्सिंग किया था 4G वाले का वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कैमरा है वो बहुत ही कमाल का है, फ्लैगशिप लेवल है, आपको डायनामिक रेंज, जो कलर्स है, जो डिटेल्स है वो सब कुछ आपको बढ़िया मिलेगी। इनफैक्ट अल्ट्रावाइड शॉट्स भी देखेंगे वो भी बहुत कमाल की है और साथ में 30x आपको स्पेस जूम मिलता है, अच्छे खासे जूम शॉट्स आप यहाँ पर निकाल सकते हैं और सेल्फी भी दोस्तों आपको कमाल की मिलती है, डायनामिक रेंज देखेंगे, अगर बुके शॉट्स देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं तो सैमसंग का फोन है, इनकी भी ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो अच्छी बढ़िया सेल्फीज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। वीडियो देख लो दोस्तों, आपको OIS मिलता है तो बढ़िया स्टेबल वीडियोस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, रियर के अंदर
नो डाउट। और सेल्फी में भी आपको EIS मिलता है, तो अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस आपको सेल्फी में भी यहां पर मिल जाते हैं। और फाइनली डिजाइन की बात करें तो यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिलते हैं। हमारे पास है क्लाउड लेवेंडर, और ये जो फॉर्म फैक्टर है इसका, जो थिकनेस और वेट है, वो सब कुछ आपको सेम मिलता है। वैसे ये मैट फ्रॉस्टेड है और उंगलियों के निशान वैसे इतने ज्यादा नहीं पड़ेंगे, वो आपको यहां पर बहुत बढ़िया मिलता है। और ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, H20 फैन एडिशन जो 4G था वो भी पॉलीकार्बोनेट था, और यहां पर आपको IP68 रेटिंग भी मिलती है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो डिजाइन भी दोस्तों आपको इसमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, बस यहां पर जो चेंजेस है, स्नैपड्रैगन 865 5G है, बाकी सब कुछ आपको H20 फैन एडिशन 4G जैसा ही मिलता है। बाकी दोस्तों आपको अगर और कुछ जानना है इस फोन के बारे में कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, गिव अवे में जाके पार्टिसिपेट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।